सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अंकित। सो गाइज, आज है 31 अगस्त और अभी जो है ना, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने वाले हैं और माही जो है अपनी स्कूल गई है। तो मैं जो है ना अभी जा रहा हूँ माही के स्कूल, उसका लंच लेकर के, और बाबू जो है वो भाभी के साथ में है। ये रही भाभी और बाबू। कल पूजा हुआ था घर में, तो आज सब घर अभी साफ सुथरा हो रहा है। तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ अभी माही के स्कूल, उसके लंच लेकर के। और मैं आज अपने क्लास भी नहीं गया था क्योंकि कल पूजा के कारण क्लास बंद था और आज मैं गया ही नहीं, लेट उठा था इसी कारण मैं क्लास नहीं गया। तो चलते हैं सबसे पहले माही का लंच लेकर के उसके स्कूल। तो फाइनली मैं जो आ गया हूँ माही के स्कूल, उसका लंच लेके। और ये रही माही। आज ड्रेस पहन के नहीं आई थी, क्यों? धोया हुआ था। लो लंच पकड़ो, ले चलो चलो अंदर। तो अभी चलते हैं अंदर और इसको लंच करवा देते हैं। तो गाइस, मैंने जो है माही को लंच करवा दिया और अब चलते हैं घर। माही जाए ना घर, बाय। फिर से तुम डेली एक आइसक्रीम खाती है, बताओ। तो चलते हैं अब घर, इसको आइसक्रीम मिला दिया है, तो चलते हैं अब घर। सो गाइस, मैं जो आ गया हूँ माही के स्कूल से, अब इसको लंच करवा करके। और अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ दादी के घर, उनके लिए सब्जी ले जाना था, तो जा रहे हैं अभी दादी के घर। और ये रहे झोले में सब्जी, तो चलते हैं अभी दादी के घर। फाइनली मैं जो है निकल गया हूँ अपने घर से दादी अम्मा के पास जाने के लिए। और यहाँ मैंने आकर अपनी जो है सब्जी सारी जो है सब रख दी है और अब चलते हैं दादी अम्मा के घर के पास। तो मैं जो है आ गया हूँ दादी माँ के घर और दादी माँ को दे दिया है मैंने झोला, उसमें से सामान निकालने के लिए। वो उधर रूम में है, सामान निकाल लिए वहाँ से, ये रहा है। तो अभी जो है ना सामान निकल जाएगा, उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि यहाँ तो कुछ ज़्यादा कुछ आज काम नहीं था, बस वही देना था दादी माँ को, सब्जी देना था, हरी सब्जी देना था, उसी के लिए मैं आया था। और आज काफ़ी धूप की हुई, बहुत मौसम जो है ना काफ़ी एकदम कड़ा धूप किए हुए अभी। तो चलते हैं, सामान निकल जाएगा उसके बाद घर। अभी मैं जो आ गया हूँ दादी के घर से अपने घर। और ये रहे भाभी जी। बोलिए कुछ, आप कुछ बोलना चाहेंगी? भूख लगा है आपको? कल से आप फास्टिंग पे थे तो खाना खाइएगा, कि आज भी फास्टिंग पे रहना है? दोगे निकाल के तो खा लेंगे। तो अभी जो है ना चलते हैं लंच करने, क्योंकि मुझे भी अभी भूख लग गया है कस के। सुबह मेरा लंच मुझे मिल चुका है और मैं दिखा दूँ आज लंच में क्या मिला है मुझे। कढ़ी और चावल, इधर दही भर रहे हैं और सब्जी चटनी, और इधर भी है, और इधर ये कचड़ी बनी है। और मैं जो है ना अभी भाभी और भैया के साथ में खा रहा हूँ। ये रही भाभी और ये भैया, जो कि कल से भूखी थी और आज दम पूरा दम। आज खाना देख के आपको कैसा लग रहा है एक दिन के बाद खाने में? मजा आ रहा है। तो भाभी जो भी खाना खा रही है और इधर टीवी चल रहा है जिसमें मूवी चल रहा है। तो अभी जो है ना लंच को करते हैं फिनिश। तो गाइस, अभी जो है ना मैं लंच कर ही रहा था और मेरे लंच करते करते मैं बाहर बारिश होने लगा। अभी जस्ट धूप की वजह था और तुरंत अभी बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। देख लो, पूरा जो है भीग गया है सबका घर, काफ़ी तेज़ जो है बारिश हो रहा है अभी, और मैं जस्ट अभी लंच करने ही गया था। तो गाइस, बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अभी माही को स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया है और बारिश जो है अभी हो ही रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो बारिश अभी तक बंद नहीं हुआ है। मैं स्कूल से अभी माही को भी लाने नहीं गया क्योंकि उसकी छुट्टी हुए आधे घंटे हो गए और माही अभी जो है ना स्कूल में ही है और ये मेरे साथ बारिश में घूम रहा है, बारिश का मजा ले रहा है। और जब देखो तब इसको ये नंगू पंगू ही रहता है, क्योंकि उसको ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। जब भी ड्रेस पहनेगा तब खोल देगा या फिर उसमें सुतू कर देता है। इसको ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। नहीं ना तुमको ड्रेस पहनना पसंद? देखो उधर देखो, बोलो तो कि हम ड्रेस कल से पहन करके आएंगे वीडियो में, कल ड्रेस पहन के आएंगे वीडियो में, बोल दो बोलो। तो अभी जो है ना मेरे साथ में बारिश का मजा ले रहा है ये। और बारिश से देख ले सकते आप कितना पूरा जो हमारे घर का पास का एरिया है ना, पूरा में पानी भर गया बारिश के कारण। और हम भी अभी बारिश में बारिश का मजा ले रहे हैं। तो इंतजार करते हैं छूटने का, क्योंकि माही को जो है स्कूल से भी लाना है, उसको लेट भी हो रहा है, तो फिर अकेले रोने लगेगी वो। आज फाइनली मैं जो माही को लेकर के आ गया, बारिश में भींग के जाना पड़ा हमको। बारिश में आई ना है तुम? भींग गई तुम? तुम भी भींग भाई। तो चलते अब ऊपर, क्योंकि बारिश में भींग चुके। और ये रही माही। चलो ऊपर चलना है ना, चलो।
सो गाइस अभी जो है ना टाइम हो गया, मतलब टाइम क्या हुआ है, मतलब मुझे अभी रील शूट करना है और मैंने अपना नया रिंग लाइट लिया डिजिटेक का 19 इंच वाला, जो अभी मैं आपको दिखा दूं। तो ये रहा मेरा नया रिंग लाइट डिजिटेक का, जो कि पीछे से आप देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डिजिटेक का 19 इंच वाला लाइट रहने वाला है। पहले वाला लाइट का भी छोटा था, जो कि लाइट कम करता था, उसका ब्राइटनेस कम था। ये रहा पहले वाला मेरा लाइट जो कि 12 इंच वाला है। तो अभी मैंने अपना नया रिंग लाइट लिया और अब जो सारा वीडियो आएगा इसी से आएगा, क्योंकि पुराने वाले लाइट में उतना ज़्यादा बेटर लाइट नहीं कर रहा था। और ये रही माही, जो कि स्कूल से आने के बाद अभी जो है ना खाना खाएगी और अभी देखो इसको मोबाइल, दिन भर स्कूल जाने के बाद फ़ोन में लगी रहती है। तो चलते अपना दो चार रील शूट कर लेते हैं। और अभी तक इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फॉलो ज़रूर करें वहाँ पे। सो गाइस मैं जो है ना आया था अपना रील शूट करने और बाबू मुझको रील शूट करने ही नहीं दे रहा है। इसने मेरे साथ एक रील बनाया है, देख लो अभी भी देख लो, इसने अभी मेरे साथ एक रील बनाया है जो कि मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा साथ में, तो देख लेना, काफी अच्छा रील है। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखो, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और काफी अच्छे से इसने एक्टिंग में किया अभी इतना छोटा होकर के, और हमको खुद अकेले रील बनाने नहीं दे रहा है, मेरे गोद में तब से ही खड़ा है। नहीं बनाने दोगे रील? देख लो रील बना दे दो बाबू, देखो तो फोन में देखो, रील बनाने दो, देखो फिर मेरे टोपी में क्या करेगा तुम इसको लेकर के? तब से मैं ऐसे ही इसको लेकर के पकड़ा हूँ, रील शूट ही नहीं करने दे रहा है एक भी, कभी टोपी मेरा फेंक दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, देखते हैं कब तक आज रील शूट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। सो गाइस अभी जो ना मैं बैठा हूँ अपने रूम में और सभी लोग अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और अभी का जो टाइम है ना 3 बजने वाले हैं दोपहर के, और सभी लोग अभी सो रहे हैं आराम कर रहे हैं, और बारिश भी बंद हो गई है, बारिश भी नहीं हो रही है, उस समय तो बारिश हो रही थी अभी 1 घंटे पहले, तो बारिश भी बंद हो गई। और मैं अपने रूम में भी बैठा हूँ, ऐसे ही वीडियोज़ देख रहा था, न्यूज़ वाली वीडियोज़ देख रहा था, और कुछ ऐसे ही अपना कुछ काम कर रहा था रूम में। मेरा रूम जो है ना पूरा बिखरा पड़ा है, मैं दिखा दूँ आपको, रील शूट करने के बाद मेरा रूम पूरा एकदम तबाह हो गया है। ये रहा मैं रूम, पूरा सामान मैंने अपने रूम में बिखरा रखा है चारों तरफ। तभी जो है ना इसको सही से डेकोरेट कर देते हैं, अच्छे से रूम को कर देते हैं, और तब तक सब लोग उठ ही जाएंगे, तो फिर हम रूम को जो है ना डेकोरेट कर देते हैं। सो गाइस अभी जो है ना मैं अपने लिए लाल चाय बना रहा हूँ, क्योंकि कोई पीने वाला नहीं था तो मैं बस अपने लिए लाल चाय, ये रहा मेरा चाय। और ये रही भाभी जो कि अभी रोटी बना रही है शाम के टाइम में, रोटी बना, गर्मी लग रहा है आपको? हाँ तो यही बनाइए, रोटी बनाइए आप जल्दी जल्दी। और ये रहा मेरा चाय, तो चाय जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। सो गाइस अभी मैं बता दूं कि मुझे जो है ना भुजिया बनाना पड़ रहा है आज घर में, क्योंकि भाभी जी जो है वो अपने उधर कुछ बाबू को मालिश तेल मालिश कर रहे हैं, और मुझे अभी भुजिया बनाना पड़ रहा है। तो ये रहा भुजिया, अभी जो है ना मैं इसको ऐसे ही बस भूज रहा हूँ, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, उसके बाद अच्छे से आज मैं जो है ना भुजिया बनाकर सब कुछ खिलाऊंगा। तो अभी भूजते अच्छे तरीके से भुजिया को, इसको पूरा आज लाल करके भूजेंगे, तो मुझे जो है ना लाल कलर भुजिया बहुत पसंद है, इसको अभी लाल करते हैं। सो गाइस अभी आप देख लो कि भाभी जी मेरे साथ क्या कर रही है, क्या पता क्या, कौन सी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो मेरे फेस पे लगा रही हैं और अपने पे नहीं लगा, मेरे फेस पूरा भर दे रही हैं। तो लगवा लेते हैं, क्या करने आखिर, इनका ही ऑर्डर है तो लगवा ही लेते हैं। सो गाइस देखो मेरा फेस कैसा बना के रख दिया भाभी जी, मुल्तानी मिट्टी लगा दी मेरे फेस पे, इसे मैं ग्लो करूंगा फेस, क्या कैसा ग्लो करेगा कल देखेंगे कि कैसा ग्लो करेगा। अब इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रखना पड़ेगा मुझे अपने फेस पे, कल ग्लो हो जाएगा ना फेस। हम कैसा दिख रहे हैं? नन्नू दिख रहा है, भूत दिख रहे हैं। सो गाइस मैंने जो है ना अपने फेस से मेकअप हटा दिया है, मेकअप यानी वो मुल्तानी मिट्टी जो भाभी लगाई थी, और लगाने के बाद फेस जो है ना काफ़ी चिकना चिकना लग रहा है, भाभी बताई थी कि ग्लो करेगा, तो शायद हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, देख लो आप मिरर में, तो शायद से मेरा फेस जो है ना हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। तो अभी फेस ज़्यादा चिकना भी हो गया है, और अभी बज गए हैं 9 और टाइम हो गया डिनर का, तो चलते हैं अभी डिनर करने। और ये देखो माही को मोबाइल चला रही है और भाभी जो है मेरा ब्लॉग देख रही है कल वाला, तो अभी जो है ना चलते हैं डिनर करने, और इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।